एकड़ जमीन लेने के बाद उपेंद्र कुशवाहा जी ने बिहार सरकार से एनओसी मांगने का काम किया कि भारत सरकार को जाए, वहाँ भवन बन जाए, वहाँ स्वीकृति हो गई है, पैसा सैंक्शन हो गया है, वहाँ बच्चों की पढ़ाई के लिए अलाउ हो गया है। लेकिन आज तक आदरणीय नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुखिया हैं, सुशासन बाबू अपने को कहते हैं, आज तक इन्होंने देने का काम नहीं किया। एनओसी जब नहीं बिहार से दिलवाने का काम किया, हमारे नेता बार बार कहते रह गए, धरना किए, प्रदर्शन किए, और उन्होंने कहा कि यह मेरा मामला नहीं है, बिहार का मामला है, बिहार के बच्चों का भविष्य है। अगर पिछले साल ही अगर खुल गया होता तो कम से कम 1200 बच्चों का नामांकन दोनों केंद्रीय विद्यालय में हो गया। लेकिन हर साल तो साइफर किया ही, अब मार्च तक नहीं हो पाएगा, पुनः अगर नहीं जाएगा एनओसी तो अगला साल भी 1200 बच्चों का भविष्य घर में चला जाए। इन सब बिंदुओं को लेकर के हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिले। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से इनकार करने का काम किया। मुख्यमंत्री जी टार बेटार कर दिए। शिक्षा मंत्री से मिले, शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि आप जरा सर मुख्यमंत्री जी से मिल लिया जाए। हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले। मुख्यमंत्री हमारे नेता ने कहा यह बिहार के बच्चों के भविष्य का मामला है, मैं किसी के पास जा सकता हूँ, यह पॉलिटिकल मामला नहीं है, यह बुनियादी मामला है, राज्य के हित का मामला है, बच्चों के भविष्य का मामला है, इसलिए इस मामला को लेकर के मैं किसी के यहाँ जाना होगा मैं जाऊँगा, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के यहाँ। लेकिन नीतीश कुमार जी के कानों में जो नहीं रहेंगी, और उन्होंने अभी तक एनओसी देने का काम नहीं किया। हमारे नेता ने आज से 15 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अल्टीमेटम देने का काम किया था कि 15 नवंबर तक अगर बिहार की सरकार एनओसी नहीं देती है तो 15 नवंबर के बाद हम आमरण अनशन पर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जब 15 नवंबर तक जब नहीं दिया गया तो हमारे नेता ने घोषणा किया 16 नवंबर को कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि हम 26 तारीख से बिहार के नौनिहाल बच्चों के भविष्य के सवाल पर, शिक्षा के गुणवत्ता में गिरावट जो आई है उसके सवालों पर हम आमरण अनशन करने का काम करें, और उसका नाम हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने रखने का काम किया, छठवां चरण का आंदोलन, शिक्षा सुधार वरना जीना बेकार। हमारे नेता ने नाम रखा है उस आंदोलन का कि शिक्षा सुधार वरना जीना बेकार, और उसी के तहत 26 तारीख से हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार के नौनिहाल बच्चों के भविष्य के लिए, और ख़ास करके बिहार में जो शिक्षा के गुणवत्ता में गिरावट आई है, बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी जो रोज राग अलापते हैं गरीब गुरबों का कि गरीब गुरबों के हम हमदर्द हैं, दलित शोषित पीड़ित समाज के हम हमदर्द हैं, खास करके देहातों के स्कूलों में उसी दलित शोषित पीड़ित समाज का बेटा पढ़ता है जिनका भविष्य अधर में पड़ने जा रहा है, पड़ा हुआ है, उसको लेकर के हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने नीतीश कुमार को अल्टीमेटम देने के बाद भी नहीं मानने पर 26 तारीख से आमरण अनशन पर जा रहे हैं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मकसद यही था। कुमारी देवी जी जो महिला नेत्री हैं, डॉक्टर संजय कुमार जी हैं, रविंद्र सिंह जी हैं, अक्षय कुमार सिंह जी हैं, शंभू कुशवाहा जी हैं, जयश्री जी हैं, सारे साथी हैं हमारे। युवा नगर के अध्यक्ष हैं आरा के बनाए गए मनोज सिंह जी, महेश कुशवाहा जी प्रखंड अध्यक्ष पीरो के बनाए गए हैं जुआ के, अब बबन सिंह प्रखंड अध्यक्ष बढ़हरा के बनाए गए हैं जुआ। बबन सिंह जी प्रखंड अध्यक्ष, पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष बनाए गए। इनको सर क्या सुझाव देंगे कि पार्टी में किस तरीके से कार्य करना है? हमने प्रशिक्षण दिया है सारे साथियों को, और खास करके आप जान लें कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कार्यकर्ता बड़ा शालीनता के साथ और सिस्टम में रह करके काम करने का काम करते हैं, और जो भी कार्यकर्ता साथी उपेंद्र कुशवाहा जी के सानिध्य में रहते हैं तो उस सिस्टम में ही रहते हैं, उसमें उदंडता का सवाल ही पैदा नहीं होता।